हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने राशन कार्ड पे नया नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो देखते रहिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप, अगर आपका राशन कार्ड पे नंबर है और वो खो चुका है और मैसेज वगैरह नहीं आते हैं आपके मोबाइल में, तो आप किस तरीके से, 2 मिनट का प्रोसेस है, आप करके मोबाइल से ही कर सकते हैं। अपना मोबाइल से घर पर करिए और आपका 10 से 15 दिन में ये अपडेट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं फ्रेंड, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको क्रोम ब्राउज़र नहीं लेना है, क्योंकि ये क्रोम ब्राउज़र पे ये साइट नहीं खुल रही है। तो आपको क्या करना है, कोई अपना एक ब्राउज़र ले लीजिए मोबाइल का, किसी मैंने ले लिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है, गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है NFS। बस आप इतना ही लिख दिया, NFS दिल्ली लिख दीजिए, इतने में आ जाएगा ये। देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे वाली साइड आ रही है ना, NFS Delhi Government.in, यही है इसका। तो आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, राशन कार्ड पे जाइए। जाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे प्रोसेस आ गए। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। देखिए फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद मैं आपको यहीं पे दिखा दे, खोल लिख रहा रजिस्टर चेंज योर मोबाइल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि अपडेटिंग आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी आप अपने परिवार के जिसका भी आपका जिसके नाम पे बना है, जैसे मम्मी के नाम पे राशन कार्ड बना है या पापा के नाम पे बना है, तो उनका आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखने के बाद ठीक है, राशन कार्ड नंबर लिखना है, लाइक 077 से सबका स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 077 से ही लिखना है। 077 लिख के पूरा आपको अपना राशन कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी अपने मम्मी पापा का, यानी अपने मम्मी का जिसके नाम पे ये बना है कार्ड, जैसे मम्मी पापा किसी का भी बना, उनका नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ पे न्यू नंबर, अब यहाँ पे अपना नंबर लिख दीजिए, कोई सा भी जो आप अपना यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे और सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद ये 10 से 12 दिन के बाद आपका मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड आने के बाद आप देखिए, आपको फिर इसके बाद आप भी देख सकते हैं फ्रेंड कि अगर आपको देखना हो तो कैसे आप देखेंगे कि मेरा चढ़ चुका है। तो आपको क्या करना है, ट्रैक फूड सिक्योरिटी पे जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर यहाँ आधार नंबर एनी मेंबर, फिर आए अब देखो फ्रेंड, यहाँ आने के बाद आपको किसी भी मेंबर का, जैसे जिसमें नाम जिसका लगा है, आपको वहाँ पर इसका नाम लिखना है। ठीक है, अपना राशन नंबर लिखना है। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, आपको देखना है कि कैसे आपका नंबर राशन कार्ड पे कैसे आपका नाम चढ़ चुका है या फिर मोबाइल नंबर कैसे अपडेट हो चुका है। तो एक मैसेज आएगा, जनरली एक मैसेज आता है, वैसे तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर उसमें जितने भी मेम्बर हैं उनके नाम जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, बैंक आना है। सिंपली बैंक आने के बाद व्यू योर राशन कार्ड यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आधार में इसमें बोल रहा है कि आधार नंबर ऑफ एनी फैमिली मेंबर, आप देखना चाहते हैं, जैसे आपने किसी का नया नंबर जुड़वाया तो उस पर क्लिक करके बस आपको क्या करना है, बस नंबर ही लिखना है। आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ सिंपली सर्च मार देना है। तो फ्रेंड जैसे मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, देखो फ्रेंड्स, मैंने अपना आधार नंबर लिखा और मैं यहाँ पर सिंपली सर्च मार दूँगा। सर्च मारने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरा राशन कार्ड नंबर, कार्ड नंबर, ठीक है, एच ओ फैमिली, ठीक है फ्रेंड, और जहाँ पे मिलता है मेरा राशन कार्ड, जैसे संजय विजय कुमार, ठीक है, तो इनके भी नाम आ गए। देखो हमारा मिलता है शिवम स्टोर पे, मिस्टर शिवम स्टोर है, हम वहाँ से लेते हैं इस राशन को। तो आपका नाम, नंबर, आप कहाँ मिलते हैं, मतलब आपको राशन कहाँ मिलता है, इस तरीके से आप पूरी डिटेल निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।